जय हिंद दोस्तों, रेल फैन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और आप सभी को मेरे सामने OHE वैन आती हुई दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बीसलपुर रेलवे स्टेशन का अपडेट देंगे और आप सभी को बता दें, इस वीडियो को बीसलपुर रेलवे स्टेशन से साहिल भाई ने बना करके भेजा है, तो साहिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पहली बार हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी को बीसलपुर रेलवे स्टेशन से अपडेट दे पा रहे हैं और आप सभी को मेरे सामने बीसलपुर रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर देख सकते हैं WDG 6G लोको खड़ा हुआ है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर OHE वैन खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। और ये देख सकते हैं बीसलपुर रेलवे स्टेशन का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में वायरिंग का जो कार्य है वो अंतिम चरण में पहुँच चुका है। आप सभी को दोस्तों बता दें, पीलीभीत से शहबाज नगर के बीच में जो वायरिंग का कार्य है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। सिर्फ जो वायरिंग का कार्य होना है वो शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर होना है और जो वायरिंग का कार्य है वो NR वाली लाइन में लिंक किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए अभी कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लगेगा। कल दोस्तों 20 दिसंबर 2021 को जो ग्रीन पावर कंपनी इस रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को करवा रही है, उसने पीलीभीत की दिशा से शाम 5:15 बजे के करीब में Web4 इंजन को दौड़ाकर शहबाज नगर रेलवे स्टेशन तक स्पीड ट्रायल किया गया। ये दोस्तों स्पीड ट्रायल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया था और ये स्पीड ट्रायल पूरी तरीके से सफल रहा। आप सभी को बता दें दोस्तों, जो कल स्पीड ट्रायल हुआ था उसमें कैमरा भी लगाया गया था और उसे चेक किया गया था। जो OHE लाइन पीलीभीत से शहबाज नगर के बीच में बिछाई गई है उसमें फॉल्ट तो नहीं आ रही है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ट्रायल पूरी तरीके से सफल रहा। अब दोस्तों CRS की बारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 दिसंबर 2021 को CRS स्पीड ट्रायल संभव है, तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है। मुझे तो मुश्किल लग रहा है 26 तारीख को, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर जो वायरिंग का कार्य है वो होना अभी बाकी है और जो NR वाला ट्रैक है उसमें अभी वायर लिंक किया जाएगा, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 26 दिसंबर को CRS स्पीड ट्रायल होना मुश्किल है। हाँ, आप लोग जनवरी में मान के चल सकते हैं, 15 जनवरी तक जो CRS स्पीड ट्रायल है ये किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों तब तक जो वायरिंग का कार्य है शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर यह भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त हम बीसलपुर रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और आप सभी को OHE वैन एक नंबर वाली जो लूप लाइन है उस पर जाती हुई दिखाई दे रही होगी। और इस वक्त हम आ चुके हैं फुट ओवर ब्रिज पर। दोस्तों, अब आप सभी को बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर जो फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, तो फुट ओवर ब्रिज से आप सभी को बीसलपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाएंगे कि वायरिंग होने के बाद बीसलपुर रेलवे स्टेशन कैसा लगता है। और देख सकते हैं आप सभी को सामने गुड्स ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में रहते हैं तो आप लोग भी हमें वीडियो बना करके भेज सकते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन से। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरुआत में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9026015641। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन से हमें वीडियो बना करके भेज सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, फुट ओवर ब्रिज पर जो जाली है वो भी यहाँ पर लगा दी गई है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रेल फैन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वो आप सभी से मिस ना हो। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग JCB मशीन के माध्यम से की जा रही है। आप सभी को
दिखाई दे रहा होगा, काफी सारे यहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं। दोस्तों कल जो पीलीभीत से सहबाज नगर के बीच में ई लोको स्पीड ट्रायल हुआ था उसकी वीडियो तो मेरे पास नहीं है, मगर उसकी फ़ोटो आ गई है मेरे पास, तो मैंने उन फ़ोटो को वीडियो के लास्ट में लगा दिया है। आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये छोटी सी अपडेट भीसलपुर से पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।